दोस्तों भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ लाभ के प्रदाता है, विघ्नहर्ता है, संकट नाशन है। किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो हमारी किसी कार्य में जो आ रही हो, और भगवान गणेश जी की आराधना अगर हम करें बहुत ही शीघ्र वो बाधा दूर होती है और सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भगवान गणेश की पूजा हम किस दिन कैसे करें जिससे कि भगवान गणेश की कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों भगवान गणेश जी सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करके, संकटों को दूर करके हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाले हैं। कुबेर के समान धनवान बना देते हैं भगवान गणेश जी अगर हम उनकी पूजा विधि विधान से करें तो। लेकिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें, इस बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। बहुत छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, यश और मान प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है, आपकी कीर्ति में वृद्धि होती है, जैसे कि परिवार में, समाज में, हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसके लिए कौन से विशेष उपाय बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखें, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता है और इनकी कृपा से मनुष्य कुबेर के समान धनवान बन जाता है। अगर भगवान गणेश की कृपा हो जाए और हम प्रसन्न कर ले भगवान गणेश को, तो हमारी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। हर कामना को पूर्ण करते हैं भगवान गणेश जी, प्रथम पूज्य देवता है। देवताओं में सर्वप्रथम पूजा इनकी होती है। कोई भी शुभ कार्य होता है हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। प्रातःकाल जब हम उठते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करना चाहिए। जब हम पंचदेवों का स्मरण करते हैं, जैसे कि पंचदेव कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, पंचदेव होते हैं भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, शिव जी, माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। ये पांच देवता जो है इनका स्मरण हमें प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही करना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन इन पंचदेवों का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले कई संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं, दिन शुभ हो जाता है। सर्वप्रथम गणेश का स्मरण करने से हर कार्य निर्विघ्न पूरा होता है, इसलिए सर्वप्रथम उठकर हमें भगवान गणेश को मन ही मन स्मरण करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप 21 बार करें, बहुत ही शुभ फल आपको पूरे दिन प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो आप पूरी जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत सरल और बहुत श्रेष्ठ अचूक उपाय बताने वाली हूँ भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि जीवन में सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो और हर कामना पूर्ण हो, इस तरह का उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो उनका, वैसे तो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, लेकिन भगवान गणेश को जो प्रिय दिन होता है वो बुधवार का दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, विशेष उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए जिससे कि गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं तो आपको रोली अर्पित करना चाहिए, लाल सिंदूर उनके माथे पर लगाना चाहिए। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और सिंदूर का तिलक जब हम उन्हें लगाते हैं तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और इससे हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हमारी जो भी कामनाएं हैं, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है अगर हम बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करते हैं तो, सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो। श्री गणेश को मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगाना चाहिए, किसी भी मीठी वस्तु का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भगवान गणेश को मीठी वस्तुएं बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त होने पर श्री गणेश को जो आपने मोदक का भोग लगाया है वो आप अपने परिवार में, परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करें और इसे ग्रहण करें, बहुत ही शुभ आपको इसका फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश की कृपा से आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। अगर आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, धन का अभाव हो रहा है, तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन बहुत विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूजा में आपको दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। 21 दुर्वा अगर आप हर बुधवार को गणेश जी को अर्पित करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से कुबेर के समान धनवान बनता है वो व्यक्ति। तो मतलब किसी भी तरह से धन की कमी नहीं रहती है, धन धान्य से घर भरा रहता है अगर हम 21 दुर्वा हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो। साथ में आप गुड़ या बूंदी के लड्डू अवश्य भगवान गणेश को अर्पित करें। मूंग की दाल के लड्डू भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं तो वो आप अर्पित करें, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान गणेश जी। जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो बुधवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, समाज में
घर में, परिवार में, जहाँ भी आपका कार्यस्थल है, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर जगह आपका नाम हो, आपका यश हो और आपको लोग अच्छे वे में याद करें, लोग अच्छी तरीके से आपकी प्रतिष्ठा करें। जैसे होता है ना, एक के नाम तो होता है लेकिन कई बार बदनामी में नाम होता है, ऐसा नहीं, यश की प्राप्ति हो, मतलब शुभ कार्यों में आपका नाम हो। इसके लिए भगवान गणेश की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, हर जगह आपको विजय प्राप्त हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, समाज में हर जगह आप हर कार्य को निर्विघ्न पूर्ण कर पाए, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो आपको, इसके लिए आपको भगवान गणेश को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। शमी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को रावण पर विजय पानी थी तब उन्होंने भी शमी के पौधे की आराधना की थी। तो शमी के पौधे की पूजा से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। और शमी का पत्ता जब आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, हर जगह आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो ये आप अगर करते हैं तो आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की के सामने जाकर शुद्ध घी के दीपक जलाता है उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। तो आप भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनसे अपनी कामना बोलें, हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है इस उपाय को करने से। भगवान गणेश की पूजा में आपको चावल अर्पित करना चाहिए जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, साबुत दाने होने चाहिए चावल के। ऐसे अक्षत अगर आप भगवान गणेश को अर्पित करते हैं, अक्षत को जब भगवान गणेश को अर्पित करते हैं उससे पहले उसे एक बार थोड़ा सा गीला कर लें। सूखा चावल कभी भी भगवान गणेश को अर्पित नहीं करना चाहिए, या पूजा में प्रयोग ऐसे किसी देवता को अर्पित करना हो तो हमेशा चावल को थोड़ा सा गीला करके ही अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को जब आप चावल अर्पित करते हैं तब आपको बोलना चाहिए, इदम अक्षतम ओम गण गणपते नमः, ऐसे बोलना है आपको, और तीन बार ये मंत्र बोलकर आपको भगवान गणेश को अक्षत अर्पित करना है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो जैसे कि भगवान गणपति जी के पीठ के दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है कि उनके पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो जब भी आप पूजा करें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तुलसी के पत्तों का प्रयोग भूल से भी भगवान गणेश जी की पूजा में नहीं करना चाहिए। कौन से विशेष उपाय को करने से शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है? अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या फिर आप किसी झूठे केस में फंसे हुए हैं तो आपको किस तरह का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि इन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिले? दोस्तों, पान के पत्ते पर अगर स्वास्तिक बनाकर, स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है या आप रोली से भी बना सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली से आप स्वास्तिक बनाएं, थोड़ा सा हल्दी गंगा जल मिक्स करके या थोड़ा सा रोली में गंगा जल मिक्स करके आप किसी भी चीज से बना सकते हैं और पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। पान के पत्ते का ध्यान रखें, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता हो, उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाकर भगवान गणेश जी की जब आप पूजा करते हैं तो विधि विधान से पूजा करने के बाद इस पत्ते को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, अपनी जो भी परेशानी है भगवान गणेश जी से कहें, बहुत ही शीघ्र आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। ऐसा आपको हर बुधवार के दिन करना है जब तक आप परेशानी से मुक्त नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अचूक और बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। मक्के के दाने गणेश जी पर चढ़ाने चाहिए। आप कैसे चढ़ाएंगे? थोड़े से मक्के के दाने ले आप और भगवान गणेश जी को अर्पित करें। जब आप उनकी पूजा करते हैं विधि विधान से पूजा कर लें, पूजा के बाद थोड़े से मक्के के दाने किसी पात्र में रखकर भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद ये दाने उठाकर अपने रसोई घर में आप किसी भी बर्तन में रख दें, मतलब किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ से किसी को दिखाई न दे, किसी यूज में नहीं लेना है उसको, उसको आपको छुपा कर रख देना है अपने किचन में, अपने रसोई घर में। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में धन का भंडार खाली नहीं होगा। तो आप ये उपाय अवश्य करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। एक उपाय मैं आपको और बताना चाहूंगी जो आपको हर बुधवार को अवश्य करना चाहिए। हर बुधवार के दिन आप भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाएं। कैसे लगाना है गुड़ का भोग? गुड़ का भोग आपको गुड़ में थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी भी डालना है। गाय का घी मिलाकर या गाय का घी ना हो, जैसे बहुत से लोग प्रश्न करते हैं गाय का घी ना हो तो क्या करें, गाय का घी ना हो तो जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो आप घी के साथ गुड़ अर्पित करें और वो गुड़ और घी आप किसी गाय को खिला दें। हर बुधवार के दिन आप ऐसा करके देखें, बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक रूप से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, धन का अभाव समाप्त हो जाएगा सदा सदा के लिए, अगर आप ये उपाय हर बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो। दोस्तों, अगर ये सभी उपाय
बहुत आसान है, बहुत सरल है। जब हम बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो इस तरह से पूजा करें और उनको ये सभी वस्तुएं अर्पित करें जो उनको बहुत प्रिय है। उसके बाद हम अगर भगवान गणेश की पूजा करके और प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। कोई भी कामना हो सकती है आपकी, आपकी विवाह में देरी हो रही है, आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, आपको धन की कमी है। दोस्तों, हम किसी एक ही देवता की विशेष आराधना करके हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से पूर्ण विश्वास रखें कि हम भगवान गणेश की शरण में आए हैं तो भगवान गणेश हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सिर्फ आपके विश्वास से ये सरल से सरल उपाय, बहुत छोटे से उपाय चमत्कारिक रूप से काम करेंगे। बस आपको विश्वास रखना है, पूरे श्रद्धा से भगवान गणेश की आराधना करनी है और बहुत ही सरल, बहुत छोटे उपाय हैं ये। आप करके देखें, चमत्कार आपके सामने स्वयं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा अगर आप ये उपाय करते हैं तो। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।